मैंने एक बाउल में छलनी रखी है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। हमें सारी चीज़ों को छानना है। गाइस केक बनाते हुए आप ध्यान रखिए सारी चीज़ों को छान कर लें और सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर हों। अब मैं डाल रही हूँ देसी खांड, ये मैंने 1/2 कप लिया है और ये है 1/4 मतलब 3/4 कप मैंने देसी खांड ली है। इसकी जगह आप पाउडर शुगर ले लें, घर में जो चीनी होती है उसको पीसकर वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी मैं छान रही हूँ ताकि जो इसके मोटे कण हैं वो निकल जाएं। तो ये देखिए ये मोटे कण निकल गए हैं, पर इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम खाने में मीठी डिश में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसे मीठा सोडा बोलते हैं, थोड़ा सा नमक पिंच के करीब। एक बार सारी चीज़ों को मिला लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स बटरस्कॉच एसेंस के, क्योंकि मैं ये बटरस्कॉच केक बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने ये एसेंस लिया है। 1/4 कप मैंने लिया है क्लैरिफाइड मतलब देसी घी, इसकी जगह पर आप बटर भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। मेक श्योर कोई भी फ्लेवर्ड ऑयल ना लें, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल। 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ नींबू का रस, इसकी जगह पर आप सिरका यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा मिला लेते हैं। गाइस मैंने 1 कप दूध लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम है, दूध भी मैंने फ्रिज में से निकाल लिया था और रूम टेम्परेचर पर सेट कर लिया था। तो याद रखें सारी चीज़ें आप रूम टेम्परेचर पर ही लें। तो मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी और इसका एक बैटर तैयार करूंगी। बैटर में ना तो कोई लम्स हो, स्मूथ तैयार होना चाहिए। बैटर अभी गाढ़ा है और याद रखिए दूध डालें तो आप धीरे धीरे करके डालें, एकदम से सारा दूध ना डालें। तो गाइस अब जो टिन है जिसमें भी आपको केक बनाना है वो ग्रीस कर लें, ये काम आप पहले ही करके रख लें। तो आप देख सकते हैं मैंने जो दूध लिया था वो मेरा सारा दूध डल चुका है। अब मैं इसे 2 मिनट अच्छे से फेटूंगी। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार हुआ है। अब बिना देरी करे हम इसे केक टिन में डाल देंगे। टिन को मैंने पहले ही ग्रीस कर लिया था, हल्का सा टैप करेंगे जिससे कि कोई एयर बबल्स हो तो वो निकल जाएं। कुकर को मैंने 10 मिनट पहले प्री हीटिंग के लिए रख दिया था, इसमें मैंने नमक और रिंग भी डाल दिया था और मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट पहले रख दिया था। अब केक टिन को कुकर में सेट कर देते हैं। गैस को हम बिल्कुल लो रखेंगे। 35 मिनट के बाद हम केक को चेक करेंगे। मैंने एक पैन को गैस पर रखा है, इसमें मैंने डाली है 1/4 कप चीनी। अब हम बटरस्कॉच क्रंच तैयार कर रहे हैं, उसके लिए गैस को हमें लो रखना है और इसको हल्का हल्का चलाना है। एक प्लेट लेंगे और उसे ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे। ध्यान रखें गाइस, गैस की फ्लेम लो मीडियम के बीच होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए, और इसको हम लगातार चलाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। चीनी के मेल्ट होने पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच देसी घी, आप इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप वॉलनट्स, वॉलनट्स को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। चाशनी में वॉलनट्स को अच्छे से कोट कर देंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस अब हम गैस को बंद कर देंगे। देख सकते हैं वॉलनट्स अच्छे से कोट हो चुके हैं, इन्हें हम ग्रीस की हुई प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। प्लेट में अच्छे से पतला पतला फैला लेंगे और फैलाने के बाद इसको 30 मिनट के लिए साइड में रख देंगे जिससे कि अच्छे से जम जाए। बहुत ही इजी काम है, आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अच्छे से मैंने इसको फैला दिया है। अब मैं इसे 30 मिनट के लिए साइड में रख रही हूँ। फ्रेंड्स 35 मिनट हो चुके हैं, चलिए एक बार केक को चेक कर लेते हैं। नाइफ इसमें इंसर्ट करते हैं। ये देखिए हल्का सा केक कच्चा है क्योंकि नाइफ पर वो जो फ्लोर है वो लग रहा है। तो मैं इसे 5 मिनट और कुक करने जा रही हूँ। 30 मिनट के बाद ये देखिए जो हमारा
बटरस्कॉच क्रंच है वो भी अच्छे से मतलब उतर गया है। अब हम इसको किसी सरफेस पर रखेंगे और बेलन से या किसी भी वेट से इसको क्रश कर लेंगे। इसका हमें चूरा नहीं बनाना है, थोड़ा सा कोर्सली इसको तोड़ना है। तो मैं इसे बेलन से इस तरह से तोड़ रही हूँ। ये देखिए हमारा बटरस्कॉच क्रंच तैयार हो चुका है। टोटल 40 मिनट हो चुके हैं। एक बार फिर से केक को देख लेते हैं। नाइफ बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब केक परफेक्टली कुक हो चुका है। गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। केक ठंडा हो चुका है तो चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए गाइस कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना है। आपको देखकर ही पता चल रहा होगा बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। अब मैं नाइफ से इसकी ऊपर की सरफेस को इवन कर रही हूँ। इसको हम फेंकेंगे नहीं, ये खाने के काम आएगा। ये बहुत ही टेस्टी है। सरफेस स्मूथ हो चुकी है। अब मैं केक को दो लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ। आप इसे तीन लेयर्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैंने नाइफ की हेल्प ली है, नाइफ से मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगी। मैंने स्पॉन्ज को दो लेयर्स में डिवाइड कर लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया स्पॉन्ज बना है। अब मैं इस पर लगा रही हूँ शुगर सिरप। मैंने एक चौथाई कप में 3 चम्मच चीनी डालकर घोल लिया था। इसे आप चम्मच से, ब्रश से, कैसे भी इस पर लगा सकते हैं। अब स्पॉन्ज पर मैं क्रीम लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने बटरस्कॉच एसेंस डालकर क्रीम को व्हिप कर लिया है। ये हम स्पॉन्ज पर अप्लाई करेंगे। आप स्पैचुला से अप्लाई कीजिए, इजीली अप्लाई हो जाएगी। अगर स्पैचुला नहीं है तो आप नाइफ से भी कर सकते हैं। इवनली सारे में स्प्रेड कर देंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो बहुत ज़्यादा स्मूथली करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्रीम हमारी दिखाई देने वाली नहीं है। उप्स गाइस, मैंने गलती से ऊपर वाली लेयर पर क्रीम लगा दी है। एक्चुअली मुझे बेस लेयर पर क्रीम लगानी थी। कोई बात नहीं, इसे कंप्लीट करके फिर मैं बेस लेयर पर क्रीम लगाऊंगी। ये काम मैं फिनिश कर लेती हूँ। इस पर हम क्रीम अप्लाई करेंगे। एक्चुअली ये वाली लेयर नीचे आनी है तो ऊपर वाले पार्ट को मैंने भी साइड में रख दिया है। इस पर हम बटरस्कॉच क्रीम लगाएंगे। अब मैं ऊपर वाली लेयर इस पर सेट कर रही हूँ जिस पर हमने बाय मिस्टेक पहले क्रीम लगा ली थी। सारे केक पर क्रीम लग चुकी है तो इस पर मैं बटरस्कॉच क्रंच फैला रही हूँ। आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम जितने फैलाने हैं आप उतने इस पर स्प्रेड कर सकते हैं। मैं इसको अच्छे से कवर करने जा रही हूँ। यकीन मानिए गाइस, ये केक देखने में कितना जितना सिंपल है ये खाने में उतना ही टेस्टी है क्योंकि जो सॉफ्ट सॉफ्ट क्रीम के साथ जब क्रंची टेस्ट आता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, यकीन मानिए। और ये बनाना भी आसान है। आप बिगनर है, आपको आइसिंग या फ्रोस्टिंग नहीं आती, तब भी ये केक आपके लिए बनाना बहुत आसान है क्योंकि इसमें क्रीम को ज़्यादा फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी ये सारा क्रंच से कवर हो जाता है। इस हमारा केक बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया है लेकिन मैं अभी इसे आपको काट कर नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। मैं इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ जिससे कि इसकी क्रीम सेट हो जाए। लेकिन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही सिंपल है, इजी है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा, यकीन मानिए। तो गाइस मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।